प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो गया है तो क्या डायबिटीज़ की दवा खा सकते हैं? इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। आपको ये समझना है कि डायबिटीज़ की बहुत तरह की दवाइयाँ हैं, 6-7 तरह की दवाइयाँ रहती हैं, और जो ज़्यादातर खाने की दवाइयाँ होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान वो सारी बंद रहती, वो नहीं दे सकते। उससे बच्चे के भी ऊपर बुरा असर पड़ता है और मदर पे भी। तो जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग होती है जो नॉर्मल केस में दी जाती है, वो प्रेगनेंसी में बंद रहती है, एक्सेप्ट मेटफार्मिन। एक मेटफार्मिन बस दवाई है जो प्रेगनेंसी में दी जा सकती है, बट वो भी प्रेगनेंसी के दूसरे ट्राइमेस्टर में, मतलब 2-3 महीने के बाद, इनिशियल के फेज में जब बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होता है आर्गन का, उस समय नहीं दी जाती। तो ऐसा नहीं करना है कि अगर प्रेगनेंसी में किसी को डायबिटीज डायग्नोज हुई और घर में किसी बुजुर्ग की दवाई पड़ी है डायबिटीज को, तो आप उसको खाना चालू कर दो। प्रेगनेंसी में डायबिटीज होती है तो आप एक सर्टिफाइड डॉक्टर से सलाह लें। ज़्यादातर केसेस में खाने से और वॉकिंग वगैरह से कंट्रोल हो जाती है, अच्छे खाने से। अगर नहीं होती तो मैक्सिमम केसेस में इंसुलिन से ही कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि सबसे सेफ वही है। और कुछ लोगों को मेटफार्मिन दी जाती है, और जैसे ही ये डिलीवरी हो जाएगी वैसे ही ये इंसुलिन भी बंद हो जाएगा और जो दवाई मेटफार्मिन दी जाती वो भी बंद हो जाती। तो ये महत्वपूर्ण बात जानने वाली है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी को डायग्नोज होता है डायबिटीज होता है या पहले से भी डायबिटीज है, तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग अगर किसी घर में पड़ी है, अपने से आपको जानकारी है, तो नहीं खाना है। उसका नुकसान हो सकता है और सीरियस नुकसान हो सकता है।